मैं राकेश वर्मा, जो पेशे से अधिवक्ता हूँ तथा प्रकृति के साथ भी मेरा तालमेल बहुत सुंदर रहता है, आप लोगों को से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को स्नेह और प्यार देते रहें, देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकार, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके दहके अनार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल गुनगुनाए बहार। देख कर उस पाखी नहीं भरता, चाहे देखो उसे हजारों बार, चाहे देखो उसे हजारों बार। मेरे घर आए, ओ मेरे घर आए एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा के, घर में आई हूँ आज पहली बार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकार, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके दहके अनार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल गुनगुनाए बहार। अगर इस भूमंडल में लड़के साहस और कर्म के प्रतीक हैं, तो लड़कियां दया, वात्सल्य, प्रेम, ममता एवं क्षमा की प्रतीक हैं। इसीलिए तो भगवान राम के आगे पहले सीता का नाम जोड़ा जाता है। अगर सीता राम नहीं कहा जाता तो पूर्ण नहीं होता।
इसी तरह से कृष्ण भगवान के सामने पहले नाम के पहले राधा कृष्ण बोला जाता है, राधा जब आते हैं तभी कृष्ण का नाम बोला जाता है। तो इसी से प्रासंगिकता और उनकी उपयोगिता और उनकी अस्तित्व का पता चलता है कि नहीं, हमारे देश में नारियों का कितना प्रथम स्थान रहा है और रहेगा हमेशा। इनकी संवेदनशीलता और इनकी दया और इनकी क्षमता, इनकी कार्यकुशलता और मानवीय दृष्टिकोण जो होता है वो सर्वोपरि होता है। इसके लिए हमेशा हमें बच्चियों को, अपने लड़कियों को क्षेत्र में, समाज में, देश में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा दिलाना चाहिए, तभी हमारे सृष्टि का अच्छे ढंग से निर्माण हो सकेगा, आने वाली पीढ़ियां अच्छे सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान अर्जित कर सकेंगी।